नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप ट्रेडमार्क की साइट पे डीएससी लगाएंगे, डीएससी की सेटिंग कैसे करेंगे। क्योंकि जनरली जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो डीएससी में एरर आ जाता है और डीएससी लगता नहीं है, डीएससी की सेटिंग हो नहीं पाती है। तो आज की वीडियो में बताऊँगा कि डीएससी की सेटिंग कैसे करना होगा। साइनअप पर जाके हम अपने यहाँ पर अकाउंट को रजिस्टर्ड करते हैं। ट्रेडमार्क के लिए पहले आपको यूज़र आई डी एंड पासवर्ड क्रिएट करनी होगी, उससे पहले आपको रजिस्टर्ड करना होता है। तो यहाँ पर प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन में जाके प्रोप्राइटर सेलेक्ट करके प्रोप्राइटर कोड यहाँ पे डालते हैं। तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है डीएससी की सेटिंग के साथ, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी डीएससी की सेटिंग बताऊंगा। इसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद डीएससी लगा लेना। मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर डीएससी लगा लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर डीएससी की सेटिंग करेंगे कि कैसे आपका यहाँ पर डीएससी है, उसकी सेटिंग को ध्यान से समझना कैसे करना होगा। उससे पहले क्या करना है, बैक कर लेना कॉम्पोनेंट capicom.dll, इस फाइल को डाउनलोड करना, इसको सेव करना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और सेव किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। डेस्कटॉप में ये मेरे पास न्यू फोल्डर में फाइल है, ठीक है। इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना और इस फाइल को करेंगे कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद कहाँ जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, विंडोज़ में जाएंगे। सबसे पहले अपने पीसी का कॉन्फ़िगरेशन देखो, पीसी की किस टाइप की पीसी है। तो दिस पीसी में जाके राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, देख सकते हैं ये 64 बिट्स का है, ठीक है। हो सकता है कि आपका पीसी 32 बिट्स का हो। तो करना क्या है, सबसे पहले पीसी की कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है कि कंपेटेबल क्या है, पीसी 64 बिट्स का है आपका या 32 बिट्स का है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेटिंग करनी होगी। तो मेरा 64 बिट्स का है, अगर आपका 32 बिट्स का होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप करोगे, ठीक है ना। करना क्या है, सिंपल है, यहाँ से जाना होता है सी ड्राइव में, विंडोज़ के अंदर, और यहाँ पे सिस्टम 32 वाली फाइल को ढूंढोगे। जैसे ये देख सकते हो, इसी के पास यहाँ पे सिस्टम 64 वाला है। हमारा पीसी 64 बिट्स का है, इसलिए 64 बिट्स में आ जाएंगे यहाँ पे, और जो फाइल कॉपी करी थी उसको यहाँ पेस्ट करेंगे। मैंने पहले से कॉपी किया हुआ इसलिए रिप्लेस कर देता हूँ, दोबारा कॉपी कर रहा हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, इस फाइल को, इस फोल्डर को ऐसे खुले रहने देना। यहाँ पे आओगे सर्च बार पे, यहाँ पे लिखोगे CMD, ठीक है। और इस फाइल को हमें राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे करना है क्लिक, ठीक है, यस कर देना है। और उसके बाद कुछ कमांड बताऊंगा जो आपको टाइप करना होगा। सबसे पहले जो जहाँ पे आपने ये कैपिकॉम वाली फाइल सेव करी है, इसकी लोकेशन को कॉपी करोगे, कहाँ से, विंडो से कॉपी कर लिया। और इस फाइल पे आओगे यहाँ पे, यहाँ पे सब, यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले लिखना है CD और बैकस्पेस एंटर। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे CD टाइप करना है और उसके बाद स्पेस देके जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था उसको करेंगे पेस्ट, फिर कर देंगे एंटर, ठीक है। अब एंटर करने के बाद आपको एक कमांड लिखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, REGSVR32 स्पेस capicom.dll, ये कमांड लिखनी है आपको, फिर एंटर करना है। देख सकते हैं सक्सीड का आपके पास मैसेज आएगा, इसका मतलब सेटिंग सक्सेसफुली हो चुकी है। जब तक सक्सीड का मैसेज ना आए ये समझना कि आपकी डीएससी की सेटिंग सक्सेसफुली नहीं हुई है। अभी ओके कर देंगे, इसको करेंगे बंद और साइट पे आएंगे, और मैं आपको दिखाता भी हूँ साइनअप पर जाके। अब हम अपनी डीएससी को चेक करेंगे कि डीएससी की डिटेल आ रही है या नहीं आ रही है। प्रोप्राइटर कोड ले लेना जो आपने रजिस्ट्रेशन लिया था, अपना प्रोप्राइटर कोड उसी के अकॉर्डिंग लिख लेना यहाँ पे। प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे डीएससी पे टिक करेंगे और डीएससी पीसी में लगा लिया हम लोगों ने। अभी यहाँ पे ऐड डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करूँगा, यस करेंगे, देख सकते हैं डीएससी आ गया, ओके करेंगे, देख सकते हैं दोस्तों ये सक्सेसफुली, देखो सीरियल नंबर आ गया, एक्सपायरी डेट आ गई, होल्डर नेम आ गया, इस प्रकार से डीएससी आ गई। अब रजिस्टर्ड विद डीएससी पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। डीएससी की सेटिंग आपको ट्रेडमार्क के लिए ऐसे ही करनी है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।